हाई एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल एंड आई नो मैंने बहुत दिनों से शूट नहीं किया है बिकॉज ये इस पैंडमिक का टाइम है एंड आई वल्सो नॉट वेल बट नाउ आई एम जस्ट रिकवरिंग एंड अब मैं शूटिंग स्टार्ट कर रही हूँ सो चलो लेट्स वेलकम बैक टू माई चैनल एंड जैसे कि आप सबको पता है आजकल वायरल ब्लश टेक्निक बहुत ज़्यादा फेमस है uh, चलो मैं भी मैंने भी सोचा मैं भी ट्राई कर लेती हूँ आई रिल यू डोट नो हाउ इट वर्क मैंने किया दि इज माई फाइनल लुक बट इस लुक को क्रिएट करने के लिए क्या क्या कैसे किया है आई जस्ट एक्सप्लेन इट इन डिटेल वीडियो आगे जाने से पहले मैंने ये वृशाली कलेक्शन के ईयर रिंग्स पहने हैं एंड गाइज दीज आर ऑसम एंड ये कार्डबोर्ड एंड थ्रेड एंड एक कलर्स के हैं और दीज आर रियली प्रिटी और इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको मिल जाएगा आई जस्ट लव दिस इयर एंड आई हैव अदर ईयर टू आगे मैं जो वीडियो डालूंगी आपको उसमें पता चल जाएगा इसके बारे में जो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दूंगी उस लिंक के थ्रू आप विशाली से आप बात कर सकते हैं उसका व्हाट्सएप नंबर भी आई जस्ट ड्रॉप इट अप एंड इट इज़ आपको ऑर्डर देना पड़ेगा एंड शी विल गिव यू द डिज़ाइंस एंड एवरीथिंग और आपको कैसा चाहिए कस्टमाइजेशंस भी अवेलेबल है चलो लेट्स गेट स्टार्ट सबसे पहले हम क्लेंजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग से स्टार्ट करेंगे क्लेंजिंग आई टोनर के लिए आई एम यूजिंग गुड वाइब्स रोज ग्लो टोनर इट इज वेरी गुड एंड इट सूथन्स योर स्किन और कोई भी पोर्स का इश्यू है तो पूरे uh, पोर्स फिल आउट हो जाते हैं सो आई डेफिनेटली रिकमेंड दिस टोनर यू कैन गेट इट फ्रॉम पर्पल और एनी अदर साइड फॉर प्राइमर आई एम यूजिंग स्विस्ट ब्यूटी प्राइमर विच इज़ इन द शेड ऑफ नेचुरल टेंट एंड इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट प्राइमर्स बिकॉज वो फेस में एकदम स्टिक हो जाता है जिसे फाउंडेशन या आप कंसीला कुछ भी अप्लाई करें उससे एक स्मूथ सा कवरेज मिल जाता है और इसमें एक नेचुरल सा शीन है शेमा है विच मेक्स यूर स्किन ग्लो और एप्लीकेशन भी इज़ वेरी ईजी और आप शाइन देख सकते हैं इट गिव्स योर नेचुरल शाइन नेक्स्ट आई एल बी यूजिंग किस ब्यूटी लिक्विड ब्लाश विच इज़ इन द शेड ऑफ़ जीरो थ्री आप कोई और ब्लश भी यूज़ कर सकते हैं आई एम यूजिंग दिस ये रेड प्लस पिंकिश मीडियम इसका कलर है आई एम लिटल नर्वस बिकॉज आई रियली डोंट नो कि कैसा लगेगा बट ठीक है मैं दोनों चीक्स में और थोड़ा नोज में एंड फोर हेड एज वेल एज़ इन द चिन एरिया अप्लाई कर दे रही हूँ एप्लीकेशन के बाद हम ब्लेंड करेंगे अभी तो आई नो आई एम लुकिंग लाइक अ जोकर बट क्या कर सकते हैं ऐसे ही है <laughs> uh, अब हमने एक डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर लिया है और विच इज़ फ्रॉम ब्लू हेवन एंड आई एम जस्ट स्मजिंग इट अप थोड़ा थोड़ा हम जस्ट स्मज कर लेंगे उसके बाद जो भी एप्लीकेशनस होंगे <laughs> मुझे हंसी आ रही है बिकॉज या आई नो इट्स वेरी रियली फनी पूरा रेड रेड हो जाता है और एकदम जोकर के अपियरेंस में धीरे धीरे ब्लेंड कर लेंगे उसको अच्छे से पूरा ब्लेंड मतलब सेमी ब्लेंड आप बोल सकते हो ताकि आपके फेस में एब्जॉर्ब कर ले बेसिकली जहाँ जहाँ पे आप ब्लश लगाते हो <laughs> ब्लश को ब्लेंड करने के बाद आई बी यूजिंग अ कंसीलर विच इज़ मे फिट मी कंसीलर और जो एरियाज हमें कंसील करते हैं उसको कंसील कर लेंगे अंडर आइज और नोज़ के टिप फोर हेड एज वेल एज इन द चिन एरिया आई रियली डोंट नो हाउ इट विल वर्क बट ठीक है अप्लाई तो हम वैसे ही कर हैं टेक्निक वाइज और थोड़ा सा हम चिन एरिया पे भी अप्लाई कर लेंगे फॉर कंटूरिंग आई एम टेकिंग किस ब्यूटी का ब्लश पैलेट एंड क्योंकि इसमें लिक्विड कॉन्टोर्स चाहिए अगर आपके पास कोई और भी है तो आप यूज़ कर सकते हैं बट ये किस ब्यूटी के पैलेट में जो कॉन्टोर शेड है इट गोज परफेक्टली विद माई स्किन विच इज़ नीदर टू डार्क नॉट टू लाइट और मैं चीक्स को कॉन्टूर कर लूँगी आई विल नॉट कॉन्टूर द नोज बट जो मेरे जॉ लाइन है थोड़ा सा बस क्रीम ब्लश सॉरी क्रीम जो भी कॉन्टूर का है लिक्विड दैट आई विल अप्लाय और नाउ आई एम गेटिंग कॉमेंट्स कि कैसा लग रहा है कैसी भूतनी बन गई हो आई नो बट कॉन्ट हेल्प इट अप यू नो वैन यू अगर आप ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर uh, में आपको कोई भी देखेगा तो सब आपका मजाक ही उड़ाएंगे एंड मैं साइड में यही बात कर रही हूँ कि पीपल पीपल आर कॉमेंटिंग ऑन मी कि क्या ये हो क्या रहा है वॉट काइंड ऑफ टेक्निक यू और अपलाइंग मैंने तो ऐसा पहले कभी नहीं देखा बट ठीक है देखते हैं अपने में चलेगा नहीं चलेगा नेक्स्ट टाइम यूजिंग द फाउंडेशन विच इज़ मिस रोज फाउंडेशन और मेरा शेड है बेच ये भी फाउंडेशन काफ़ी अच्छा है आप अगर लेस uh, कॉस्ट का फाउंडेशन ढूंढ रहे हैं सो अपार्ट फ्रॉम मे बिलीन दिस इज़ ऑल्सो आई लव्ड इट और इसको स्मच करने के जनरली अगर आप स्मच करो तो फेस पे एकदम ऐसा लगता है कि एक नेचुरल सा शाइन देता है इसमें कोई शाइन है नहीं बट फेस में बिल्कुल स्टिक हो जाता है इट्स अ लिटल बिट मूसी टाइप का फाउंडेशन है एनमूस फाउंडेशन है अब धीरे से आप ब्लेंड करें जो भी है और आप बिल्डअप कर सकते हो बट uh, फिलहाल तो मुझे कवरेज इज़ लाइक गुड एंड इट इज़ रियली लुकिंग मुझे uh, थोड़ा सा शॉकिंग लग रहा था कि थोड़ा तो काम कर रहा है बट पूरा ब्लेंड होने के बाद देखते हैं हाउ डज़ इट लुक्स अब पूरा ब्लेंड हमने कर लिया है आप चाहे तो और बिल्डअप कर सकते हैं बट आई एम ओके विद इट एंड ब्लेंड होने के बाद लिटरली आई रियली डोंट नो कैमरा उतना कैप्चर कर रहा है कि नहीं कर रहा है बट थोड़ा सा रेडिश मतलब अंदर से उसका अपियरेंस काफ़ी आ रहा है बट आई एम नॉट वेरी सेटिसफाइड विद इट सो आई एम थिंकिंग कि चलो एक इस पर पहले लूज ट्रांसलूसेंट और कॉम्पैक्ट पहले अप्लाई कर लेते हैं उसके बाद देखते हैं हाउ डज इट लुक्स बिकॉज सेट होना बहुत ज़रूरी है और थोड़ा टाइम देना फाउंडेशन को भी बहुत जरूरी है सो फॉर कम्पैक्ट आई एम यूजिंग ओलेविया का कॉम्पैक्ट आई लव दिस कॉम्पैक्ट मे बी इट कॉस्ट अराउंड हंड्रेड टू हंड्रेड टेन रुपीज़ बट इसका जो कॉम्पैक्ट पाउडर का जो स्ट्रक्चर है वो जैसे ही आप फेस में अप्लाई करो बहुत ही फाउंडेशन को आपका आपके बे, बेस मेकअप को सेट कर देता है जैसे मेबलिन का कॉम्पैक्ट आई यूज टू लव बट अपार्ट फ्रॉम मेबलिन मुझे ये भी कॉम्पैक्ट काफ़ी अच्छा लगा है पहले मैंने अंडर आइज़ को थोड़ा सा सेट किया है विद हेल्प ऑफ अ स्पॉन्ज बट आई बिलीव कि जो ओलिविया का कॉम्पैक्ट है बेसिकली अपार्ट फ्रॉम अप्लाइंग इट फ्रॉम स्पॉज आप ब्रश से अप्लाई करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से आपके फेस को सेट करेगा सो so, पहले स्पॉन्ज लेने के बाद मैंने एक ब्रश लिया है और फिर मैंने सेट uh, किया है एंड आई कैन फील द डिफरेंस कि बहुत ज़्यादा मतलब सेट करने के बाद द फेस वॉस लुक माई फेस वॉज लुकिंग वेरी गुड और uh, जहाँ पर मैंने ब्रश अप्लाई किया था थोड़ा सा उसका अपेरेंस दिख रहा था और अदर अदर एरियाज वर यू नो वेरी गुड आप ब्लश ये जो कॉम्पैक्ट है इसको मैंने आइस में भी जो मैंने फाउंडेशन लगाया था थोड़ा सा मैंने सेट कर लिया है और जेंटली आई एम जस्ट रोलिंग द ब्रश ऑल ओवर द फेस सो नेक्स्ट वॉट वी हैव टू डू इज दैट थोड़ा सा अच्छे से आप सेट करने के बाद एक बार आप चेक कर लें कि आपको फाउंडेशन की ज़रूरत है तो नहीं या एक्स्ट्रा उसकी ज़रूरत है कि नहीं आप ब्लश भी और अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको लगे कि हाँ आपको अप्लाई करना है बट आई एम ओके विद इट सो नेक्स्ट आई एम टेकिंग द ट्रांसल्यूसन पाउडर फ्रॉम मार्स और इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट ट्रांसल्यूसन पाउडर जब से मैंने ये यूज़ किया आई हैव बिकम अ फैन ऑफ इट और इसको मैं अंडर आई अप्लाई कर ले रही हूँ इन ऑर्डर टू सेटअप बिकॉज हमने अभी आई शैडो भी अप्लाई नहीं किया है सो अंडर आई में मैं मार्स का ये ट्रांसल्यूशन पाउडर अप्लाई कर रही हूँ सबसे अच्छी चीज़ है इसमें कोई वाइट कास्ट छोड़ता नहीं है और जो भी हाईलाइटिंग पॉइंट्स हैं जैसे जो भी चीक्स में उन सब जगह पर मैं एक बार ट्रांसल्यूशन पाउडर लगा के सेट कर लूँगी अच्छे से लगाए क्योंकि इट शुड हैव सम टाइम और थोड़ा सा नोज़ के पास भी लगा ले जहाँ जहाँ पे आपको ऑयल एक का एक्सट्रैक्शन होता है आप चाहे तो लाफ लाइंस पे भी लगा सकते हैं बिकॉज ट्रांसल्यूसन पाउडर का अपना एक रोल है मेकअप में और uh, वो पूरे मेकअप को अच्छे से सेट कर देता है नेक्स्ट आई एल बी टेकिंग द फिटमी कंसीलर अगेन मेबलिन फिटमी और जिससे मैं अपने आईब्रोज़ को डिफ़ाइन करूँगी बिकॉज मेरी आईब्रोज अभी बने हुए नहीं हैं बट जिनके आईब्रोज uh, बने हुए नहीं होते हैं वो कंसीलर से एक बार उसको सेट कर लें सो इट विल गेव अ वेरी गुड इफ़ेक्ट सो so, कंसीलर से हम जो भी अपने ब्राउ लाइन है उसको अच्छे से सेट से और डिफाइन कर लेंगे और उसके बाद ट्रांसल्यूशन पाउडर से उसको सेट कर लेंगे सो नेक्स्ट अगेन आई एम टेकिंग ओलेविया कॉम्पैक्ट एंड सेटिंग माय आईलेड एरिया जहाँ पे मैंने कंसीलर ऑलरेडी अप्लाई कर लिया था और अपने आईब्रोज को डिफाइन कर लिए थे और क्लीन कर लिया था बेसिकली कंसीलर से सो so, आईब्रोज के लिए मैं यूज करीं मार्स का आईब्रो किट और आई एम रियली नॉट अ आईब्रो पर्सन एंड साइमल्टेनियसली आई एम गेटिंग मेनी कॉमेंट्स फ्रॉम साइड इग्नोर इट गाइज बट एक्चुअली आई एम नॉट अ आईब्रो पर्सन मुझे आईब्रो करना बिल्कुल पसंद नहीं है बट जब से मैंने ये मार्स का किट यूज़ किया है आई हैव बिकम अ फैन ऑफ इट सो राइट नाउ आई एम जस्ट चेक द आईब्रोज कि आप जो भी पाउडर यूज़ कर रहे हो वो इक्वलेंट अमाउंट में स्प्रेड हुआ है नहीं हुआ है जस्ट चेक इट उसके बाद बहुत ज़्यादा अमाउंट uh, भी आप यूज़ ना करें बिकॉज वो आर्टिफिशियल लगने लगता है नेक्स्ट आई विल टेक द आई शेडो पैलेट ऑफ कवर गर्ल और इसमें और एक मेबलिन का आई शेडो मैं ले रही हूँ मेबलिन के पैलेट से और विद द हेल्प ऑफ अ ब्लेंडिंग ब्रश मैं इसमें जो पिंक कलर का शेड है पिंक प्लस पर्पलिश है जो मि मिडल का शेड है वो मैं ले रही हूँ एंड विद द हेल्प ऑफ अ ब्लेंडिंग ब्रश आप कोई भी ब्रश यूज़ कर सकते हैं जो आपको सूटेबल हो क्योंकि मेरी हुडेड आइज़ हैं तो मैं थोड़ा सा पफी ब्रश ले रही हूँ एंड आई एम यूजिंग इट एज अ ट्रांसिशन शेड पहले डस्ट ऑफ कर लेना आई एम मेकिंग इट फ्रॉम सो मेनी आई एम मेकिंग दिस वीडियो एंड शूटिंग इट आफ्टर सो मेनी डेज तो थोड़ा सा मैं भूल गई हूँ या नाउ यू कैन जस्ट डस्ट इट ऑफ एंड जो एज अ ट्रांजिशन शेड मैं इसको यूज़ कर रही हूँ और दोनों आइज़ में मैं अच्छे से इसको जस्ट ब्लेंड कर दूँगी बिकॉज आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग टू मच कलर कोई भी पॉपअप कलर नहीं बस एक नेचुरल शिमरी uh, सा शेड मैंने लिया है और इसको मैं बिल्ड कर लूँगी आफ्टर दिस आई विल ऑल्सो टेक मेबलिन का गोल्ड कलर का जो आई शेडो है और उसको जस्ट मैं अपने हाथों से या अपने ब्रश uh, के थ्रू इसके ऊपर आई जस्ट एडेट अप जो भी क्रीज लाइन पर है ताकि थोड़ा सा नेचुरल सा इफ़ेक्ट आ जाए आपको मैं अभी शो कर देती हूँ इसमें येस एंड आई एम टेकिंग दिस ब्राउन शेड जो मिडिल शेड है और मैं विद द हेल्प ऑफ फिंगर्स जस्ट आई एम जस्ट टैपिंग इट अप और मैंने कुछ भी कंसीलर अप्लाई नहीं किया है इन ऑर्डर टू गिव अ नेचुरल लुक ताकि थोड़ा सा शिमरी और नेचुरल लुक आ जाए आप ब्रश भी यूज़ कर सकते हो बहुत ज़्यादा क्योंकि हम फिंगर्स uh, के थ्रू अगर आपका पिगमेंट नहीं आ रहा है तो विद द हेल्प ऑफ ब्रश ब्रश् यू कैन जस्ट एड द पिगमेंट ऑन योर आइज आफ्टर आई शाइडो नेक्स्ट फॉर लिपस्टिक आई वी टेकिंग फेसिस लिप कॉन्ट्रोल फॉर लिप लाइन एज अ लिप लाइनर एंड मे बिलीन का मैं लिपस्टिक ले रही हूँ विच इज़ द शेड ऑफ पिंक एंड आई अप्लाई दिस ऑफ कैमरा एंड फॉर आइज आई एम यूजिंग द लिप द लाइनर ऑफ फ्रॉम नाइका विच इज़ ब्लू एंड कलर एंड अंडर आइज़ के लिए भी मैंने मिनी आई लाइनर यूज़ किया है एंड फॉर हाइलाइटर आई एम यूजिंग मिस क्लेयर लिक्विड हाइलाइटर जो मैं विद द हेल्प ऑफ फिंगर्स अप्लाई कर रही हूँ बहुत लोगों को ये बहुत चंकी लगता है बट आई रियली लव इट बिकॉज मुझे ये पर्सनली बहुत पसंद है एज अ लिक्विड हाई थोड़ा मैंने ज़्यादा लगा लिया बट आई विल आफ्टर सम टाइम यू विल सी जब हम इसको अच्छे से स्प्रेड कर देते हैं तो ये फेस में बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाता है और एक बहुत अच्छा सा शिमर शेड uh, देता है इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन एंड अबाउट द प्रेफरेंस तो मुझे तो एज अ प्रेफरेंस ये बहुत पसंद है और मैं अपने आईलेड एरिया को जो भी ब्राउ एरिया है हाईलाइट कर आईब्रोज़ को ज़रूर आप अंडर आई हाईलाइट करें बिकॉज़ उससे आई का जो भी लुक और अपियरेंस होता है बहुत अच्छे से रिफ़्लेक्ट करता है एंड यू कैन जस्ट सेट इट आप अपने फिंगर्स के थ्रू और अपने फेस को भी जो भी आपने हाई लाइटर अपलाई किया है आप बिल्कुल सेट कर लें इसमें कोई आई रियली डोंट थिंक सो कोई ब्रश की ज़रूरत है जो भी आपने ट्रांसल्यूजेंट पाउडर लगाया था उसको जस्ट डस्ट ऑफ कर दें वर इट इज अंडर आइज़ हो या चेन एरिया में हो एक बार आप डस्ट ऑफ़ कर दें अपने विद द हेल्प ऑफ अ ब्रश वट एवर ब्रश यू आर यूजिंग एंड यू कैन जस्ट अपलाई लिटल बट ऑन द टिप ऑफ द नोज मैंने कंट्रोल नहीं किया है बट स्टिल आई मैम अपलाएंगा हाई लाइटर ऑन द टिप ऑफ द नोज़ थोड़ा बहुत फॉर शिमर एंड थोड़ा हाईलाइटर uh, मैं अपने फोरहेड पे भी अप्लाई कर रही हूँ फॉर द शिमरी सब्सटेंस और ये बहुत ही नेचुरल सा बहुत अच्छा ग्लो देता है सो आई जस्ट लव दिस हाई नेक्स्ट आई विल बी टेकिंग फिक्सर विच इज़ स्विस ब्यूटी मेकअप फिक्सर और विच इज़ इन द शेड ऑफ एलोवेरा इट हैज़ अ वेरी ब्यूटिफुल फ्रेग्रेंस ऑफ एलोवेरा एंड मुझे पर्सनली बहुत पसंद है ये दिस इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट मेकअप फिक्सर और थोड़ा बहुत मैंने अप्लाई करके जस्ट ब्यूटी ब्लेंडर से डैप मूवमेंट में आई हैव जस्ट सेट सेट माय मेकअप एंड फॉर अदर थिंग्स दैट इज आई लैशेज़ के लिए मैंने मार्स का माय फेवरेट मार्स यस मार्स का मैंने लैश के लिए मैंने मस्कारा यूज़ किया है एंड इट हैज अ वेरी प्यूटिफुल एंड अ बिग वॉन्ड जिससे आपके आई लैशज़ जो होते हैं वो बिल्कुल ही कर्ल और यू नो लेंथ प्रोवाइड करते हैं एंड इट हैज़ इट गिवस अ वेरी ब्यूटिफुल अपेयरेंस इन डूइंग सो और मैंने अपने अंडर आए के भी जो लैश हैं उसी से मैंने कर्ल कर दिया है आई एम नॉट यूजिंग एनी काइंड ऑफ कर्लर बट जो भी कर्लिंग अप और अपेयरेंस उसका है मैंने मार्स के मस्कारा से ही किया है नव गाइज एज यू कैन सी दिस इज़ माई फाइनल लुक एंड आई एम रियली आई रियली डोंट थिंक सो पहले स्टार्ट करने से पहले कि uh, ये वायरल ब्लाश टेक्निक में करूंगी तो मुझे सूट करेगा आई वॉज नॉट वेरी मच श्योर अबाउट दैट बट फ्रेंकली स्पीकिंग आई रियली लव दिस मेकअप एंड ये जो मेरा ओवरऑल लुक है विथ द रूशाली क्रिएशंस के जो इयर रिंग्स हैं इट रियली सूटेड और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें और बेल बटन को प्लीज़ हिट कर देना ताकि आगे जो भी मैं वीडियोस डालूं उन सबके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें चलो Stay tuned for the other videos. Bye. See you and take care and stay safe, guys. Stay safe. Be happy. See you. Bye bye.